महात्माओं के चरणोदक का बड़ा महत्व होता है। हाँ, भगवान का चरणोदक लिया जाता है, महात्माओं का लिया जाता है, लेकिन आजकल के जो एजुकेशन है ना, कानपुर में हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज गए किसी के घर, वो डॉक्टर था जिसके घर गए, और जानते उसने क्या किया, चरण धोना था उसको महाराज जी के, गुरु जी के, पहले उसने गुरु जी के चरण डिटॉल से साफ किए। डिटॉल से साफ करने के बाद उसके बाद फिर चरण प्रक्षालन किया। किसी ने पूछा है क्या कर रहे हो, बोले पता नहीं क्या क्या लगा होगा इनके चरणों में, तो डिटॉल से पहले साफ कर लो। मतलब ये जो एजुकेशन है ना, इसको बोलते हैं संस्कारहीन एजुकेशन। उनको मालूम नहीं है कि महत्व तो उसी का है, हाँ, जो तुम डिटॉल से साफ कर दे रहे हो, निकाल दे रहे हो। तो संस्कार विहीन जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो कितना भी बड़ी एजुकेशन हो जाए, हमारे ग्रंथों में जब तक शिक्षा, शिक्षा जानते, जिसमें जीवन में अनुशासन आ जाए, जिसमें जीवन में समाज में रहने का तरीका आ जाए, जिससे जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाए, शिक्षा शब्द का अर्थ वही है, जिससे जीवन अनुशासित हो जाए। शासितुम योग्य शिष्य, हाँ, जिसके ऊपर अनुशासन होता है उसका नाम शिष्य है, और शिष्य उसे कहते हैं जो शिक्षित होता है। तो ये जो संस्कार विहीन शिक्षा का प्रचलन है ना, हमारे महेश भाई है, हरीश भाई है, ये लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं गुजरात में, और उसका रिजल्ट भी है, जो महाराज शिक्षा के लिए, हाँ, बहुत, और हमारे पूरे देश में बत्रा जी हैं, भाई जी है। तो ये जो शिक्षा, मेरे से कई लोग पूछते हैं कि महाराज समाज में इतनी गिरावट है, इसका कारण क्या है? मैं यही कहता हूं कि अगर तुमको समाज की गिरावट को रोकना है तो शिक्षा में हमारे संस्कार लाओ, हाँ, धर्म को लाओ। ये जो लोग कहते हैं ना सेकुलर है हमारा देश, सेकुलर, सेकुलर का अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष, और धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का आदर, हाँ, धर्म को अलग करना उसका अर्थ नहीं होता है। तो आजकल अब क्या कहा जाए, अब जो बैठे हैं पदों पर उनको सेकुलर का ठीक मीनिंग भी पता है कि नहीं है, ये भी एक आश्चर्य की बात। तो जब तक पूज्य आनंदमयी माँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा था, गुरु जी ने हमको बताया कि माँ समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उन्होंने एक ही बात कही, बोले अगर तुम कर सकते हो तो आठवीं कक्षा तक जो गुरुकुल प्रणाली है शिक्षा की, गुरुकुल प्रणाली, पहले जैसे गुरुकुल में बच्चे जाते थे ना, गुरुकुल प्रणाली को लागू कर दो तो संस्कार पड़ेंगे बच्चों में और बच्चे आगे होंगे। ठीक है, धीरे धीरे प्रयास हो रहा है, समय है, ऊपर नीचे होता रहता है,